हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द नैनीताल इंडिया लिमिटेड की आई हुई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, फीस कितनी रखी गई है, इसका पूरा सिलेबस क्या होगा, फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, प्लस निगेटिव मार्किंग कैसी होगी और इसका अमाउंट बॉन्ड कितना रखा गया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, जितना टाइम मुझे इस वीडियो को बनाने में लगता है शायद आपको उतना टाइम लाइक करने और सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगा। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उससे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है क्लर्क पोस्ट की 100 वैकेंसी। एंड जो इसकी एज रखी गई है वो रखी गई है 21 ईयर से 28 ईयर के बीच में। एंड जो 31/5/2019 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी तो 21 और 28 के बीच में होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सरकार देती है वो आपको मिलेगा। प्लस इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है 45% मार्क ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। और बेसिक आप कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो मतलब आप सीख सकते हैं, थोड़ा ही नॉर्मली कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। जो एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है इसमें 1000 रुपये इंक्लूडिंग ऑल GST, सारी GST को लगाकर। और फॉर्म को फिल करने की बात करें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से भी कर सकते हैं। प्लस आप www.nainitalbank.co.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन या रिजल्ट सेक्शन में जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आगे देखो, जैसे मैं बता दूंगा गाइस, इसकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसका एनुअली इनकम लगभग आपकी हो जाएगी 3.6 लाख के ऊपर ही होगी। CTC वुड बी एग्जामिनर अप्रोक्सीमेटली 3.60 लाख। एंड इसके ऑनलाइन डेट की बात करें तो डेट जो रखी गई है आपकी 29 जून 2019 से लेके 22 जुलाई 2017 के बीच में रखी गई है। और फीस पेमेंट की डेट की बात करें तो उसमें 29 जून से 22 जुलाई के बीच में ही है। एग्जामिनेशन की बात करें तो जो अगस्त का होना चाहिए एंड मोस्टली 10 और 11 अगस्त में होगा गाइज। एंड फिर से इसकी क्वालिफिकेशन, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से होना चाहिए। एज की भी मैंने बात पहले आपको बता ही दी है। और प्लस सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, इसमें जो है आपको फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फीस पेमेंट करनी होगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में काफ़ी सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ तो सबसे पहले आपको हैंड रिटन ये होना चाहिए आपका आई, जैसे आपका नाम आएगा। फिर इसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है गाइज, ये आपको लिख कर JPEG फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। प्लस इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले www.nainitalbank.co.in के requirement/result सेक्शन में जाकर अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिए हुए हैं उससे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं गाइस। एंड आगे आपको जो पेमेंट आएगी, पेमेंट ऑप्शन होगा, पेमेंट ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कोई भी ऐसी की मत प्रेस करिए जिससे कि जो लास्ट प्रिंट होता है वो निकलने में प्रॉब्लम हो जाए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको याद रखना होगा JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए 800 एंड 400 के बीच में। चल अब बात करें जो इसकी एग्जामिनेशन सेंटर की, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली NCR। आपको उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, सॉरी उत्तराखंड स्टेट और उत्तर प्रदेश स्टेट और दिल्ली स्टेट में मिल जाएंगे आपको। और गाइस मैं आपको दिखा दूं इसका जो सिलेबस होगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन एंड क्वान्टिटी एप्टीट्यूड की 40 क्वेश्चन, सारे 40 40 सारे सेक्शन 40 क्वेश्चन के होंगे। जो मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग का जो है वो 50 मार्क्स का होगा,
और इंग्लिश का 40 होगा, जनरल अवेयरनेस का भी 40 होगा, कंप्यूटर नॉलेज का 20 होगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 50 होगा। केवल जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश पे होगा, हिंदी वर्जन पे नहीं होगा। टाइम आपको अलग अलग टाइम हर एक क्वेश्चन को दिया जाएगा। 35 मिनट में आपको रीजनिंग सॉल्व करनी होगी, 35 मिनट में ये आपको इंग्लिश सॉल्व करनी होगी, और 20 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस, और 20 मिनट में कंप्यूटर मिनट, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। टोटल मिनट्स आपको 145 मिनट्स दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, प्लस एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे। अब गाइस तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट में बॉन्ड के बारे में। जो इस पे बॉन्ड रखा गया है वो रखा गया है 1 लाख का अमाउंट बॉन्ड कराया जाएगा, वो भी 2 साल पीरियड के लिए। ओके गाइस, एंड जो पोस्ट है वो क्लर्क की मैंने पहले ही आपको बता दी थी, 100 पोस्टेज है। तो आपको ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस।